के यहीं से सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इतने झूठे वादे किसी सरकार ने नहीं किए होंगे। बताओ क्या वादा नहीं किया आपसे और हमसे कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाई हैं, नौजवान हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं जो खेती न करता हो, सब खेती करने वाले परिवार के बेटे हैं, किसान हैं। बताओ आय कहाँ दोगुनी हो गई। आज हमारे कहते हैं अन्नदाता, जो हमें अन्न देता है, हमारा पेट भरता है, उसका सबसे ज्यादा अपमान किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करने का काम किया। ये जो कानून है, ये जो कानून लागू हो रहे हैं, ये जो तीन कानून है, इससे कोई लाभ नहीं है। आपकी खेती पे कब्जा हो जाएगा, खेती पे कब्जा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, ये हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। वो हवाई जहाज पे नहीं चला, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आज वो अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं चला पा रहा। सौ से पार हो गई कि नहीं हो गई पार। यही नौजवान जिनको सपने पूरे होते हैं, नौकरी मिलती, अपना भविष्य बनाते, परिवार का सम्मान करते, देश की सेवा करते, लेकिन इन नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, और जहां नौकरी मिलती, जहां नौकरी मिल सकती थी, नौकरी छीनने का काम किया, सरकारी संपत्ति को बेच दिया। एयरपोर्ट भी गए, ट्रेन बुक गई, स्टेशन भी गई, ये ठेकू सरकार तो ठीक थी, लेकिन अभी बेचू सरकार का है। चलाना नहीं जानते।
कितने दिन हो गए किसान बैठे हैं आंदोलन करते हुए, कोई सुनवाई नहीं है।